रांची जिला के पंचपरगना क्षेत्र में कर्मा का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी बीच त्योहार के बीच एक ट्रिपल मर्डर की घटना सामने आई है। राजधानी रांची के सोनाहातू इलाके में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना सोनाहातू के रणडी गांव की है। बताया जाता है कि डायन बिसाई के आरोप में ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया। ट्रिपल मर्डर की सूचना स्थानीय पुलिस को मिलने के बाद सोनाहातू पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने अब तक 2 शव को बरामद कर लिया है और वहीं 3rd शव की खोजबीन की जा रही है। फिलहाल हत्या किसने की है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस 3rd शव की तलाश कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद गांव के अधिकांश पुरुष फरार है। फिलहाल दबे जुबान में जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एक 18 वर्षीय युवक को सांप काटने से उसकी मौत हो गई। इस घटना पर ग्रामीणों ने ओझा का सहारा लिया और ओझा को गांव बुलाया गया। ओझा ने ग्रामीणों को अंधविश्वास में रखते हुए गांव में डायन बिसाही होने की बात कही। साथ ही कहा कि जिस घर में डायन है उसी घर में 1 दिन के अंतराल में फिर सांप काटने की घटना हो सकती है। ओझा ने जो बताया ग्रामीण ने सही समझा। दूसरे दिन उसी गांव के 19 वर्षीय एक युवक को सांप ने काट दिया जिसमें इलाज के माध्यम से वो बच गया। इस घटना के बाद ओझा के अंधविश्वास को विश्वास मानते हुए ग्रामीणों ने उक्त गांव में बैठक रखा और बैठक में अभिमन्यु सिंह मुंडा की पत्नी रायलू देवी को डायन बिसाई का आरोप लगाते हुए मारपीट करते हुए डायन होने की बात कबूला। इस पर रायलू देवी ने 2 वृद्धा महिला ढोली देवी और आलोमनी देवी का नाम बता दिया। इसके बाद तीनों महिला को राणाडी के समीप पहाड़ पर ले जाकर हत्या कर दिया गया। फिलहाल गांव में पुलिस पहुंची हुई है। घटना के विषय में पुलिस को बताने से लोग चुप्पी साधे हुए हैं। 2 महिला रायलू देवी और ढोली देवी का शव पहाड़ के अंतिम छोर से बरामद किया गया है जबकि आलोमनी देवी का शव अब तक नहीं मिल पाया है। इधर पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।